ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमास सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा। प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए एक अनूठी पहल मध्य प्रदेश शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की, और पुष्प वर्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों का स्वागत करते हुए हमारे बीच आइए हम भी स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का। और यहाँ उपस्थित सभी बहनें अपनी मुस्कुराहट से, अपनी उत्सुकता से अपने भाव को प्रस्तुत करती हुई। प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री स्वयं पधारे हैं अपनी बहनों से मुखातिब होने, उनका सम्मान करने और उन्हें स्नेह देने। शक्ति और भक्ति की प्रतीक साक्षात दुर्गा गौरी स्वरूपा, ये बहनें आज हमारे साथ हैं। आज यही लग रहा है कि जैसे देवता जब वर्षा करते हैं पुष्पों की, तो लगता है माँ दुर्गा की आराधना हो रही है, माँ दुर्गा की साधना हो रही है। आज वही दृश्य यहाँ पर हो रहा है और प्रदेश की सारी बहनें हाथ हिलाकर अपने लाडले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। और ये फूलों की ये पंखुड़ियां आज प्रदेश की लाडली बहनों पर बड़े लाड़ और बड़े सम्मान स्नेह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वर्षा कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक संदेश है लाडली बहनों के लिए कि इन रंग बिरंगी पंखुड़ियों की तरह आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, खुशनुमा बने और इनकी सुगंध की तरह आप सभी के जीवन में खुशबू रंग लाए। बिल्कुल एक दिव्य स्वरूप हम देख सकते हैं हमारे बीच कई सारी देवियां, कई सारी बहनें, और जिनका स्वागत अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि कहा जाता है कि जहां देवियों का वास होता है वहां देवता भी होते हैं, तो ये दिव्य चित्र हम सभी के समक्ष हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी सभी का अभिनंदन करते हुए अलग अलग जिलों से पधारी हुई जनप्रतिनिधिगण बहने हमारे बीच, वे भी उत्सुकता से प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए। और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सारी बहनों से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा संबल, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे भविष्य के लिए, इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है बहनों, मेरी लाडली बहना, ये सारी जिम्मेदारी अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर है, सरकार पर है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन पंखुड़ियों को देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी शायद यही संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा भाई अब तुम्हारे साथ है। और ये आगाज करते हुए कि बहनों मेरी दुआएं, मेरा स्नेह हमेशा तुम सबके साथ है, और आज का यह कार्यक्रम इस सामाजिक क्रांति का निश्चित रूप से शंखनाद है। बिल्कुल हम देख सकते हैं कि प्रिय बहनें उत्सुकता से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करते हुए। और जैसा कि कुछ पंक्तियां हैं, हे नारी ना देखना तुम कभी औरों की नजरों से खुद को, इस दुनिया के तौर तरीकों और रस्मों से खुद को, यह अहंकार भरी नजरें तुम्हें सच कहां दिखाएंगी, तुम असल में क्या हो ये कभी नहीं बताएंगी, जो देखना हो खुद को तुम तो मन की आंखों से देखना होगा, ये बताएंगी कि तुम ही रचेता, तुम ही सबसे सुंदर रचना हो, तुम ही मीठी सी लोरी, तुम ही मधुर सा सपना हो, तुम घर की लक्ष्मी, तुम घर का मुकद्दर हो, तुम ही आसमां छूता पर्वत हो, तुम ही गहरा समंदर हो, ये बताएंगी तुम ही ज्वाला, तुम ही रोशनी हो, तुम ही शीतल, तुम ही शक्ति हो, तुम ही छाव, तुम ही धूप हो, नारी तुम दुर्गा माँ का स्वरूप हो। तो दुर्गा स्वरूप में सभी बहनें हमारे बीच, और प्रिय भैया हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों का स्वागत अभिनंदन करते हुए। और शायद प्रदेश की इन लाडली बहनों से माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाह रहे हैं कि शब्द की उंगली पकड़, अर्थ की पगडंडियों पर चेतना के पंख लेकर तुम समय को लांघ जाओ, प्रश्न का उत्तर बनाते, लहर को सागर बनाते, जागरण का शंख लेकर तुम स्वयं को लांघ जाओ। आज जागरण का ये शंख लेकर आज यहाँ से आप सभी जागरूक होते हुए अपने को लांघ जाइए, शायद यही विनती, यही अपेक्षाएं माननीय मंत्री जी आप सभी से कर रहे हैं, और आप सभी पे पुष्प वर्षा के द्वारा अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आपसे स्नेह भी प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, और प्रिय बहने भी हम अपने प्रिय भैया लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए और मंच की ओर बढ़ते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से करते हैं, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी कन्या पूजन से होने जा रही है। हमारे बीच नन्नी नन्नी बालिकाएं, देवी स्वरूपा बालिकाएं, और उन्हीं के पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के लिए अग्रसर। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कन्या पूजन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और ये कहना चाहूंगी कि जिनमें खुद भगवान बसता है वो बेटियां हैं वंदनाएं, वे संवेदनाएं हैं, जीवन की मिठास हैं, शीतल हवाएं हैं। और आज इन बेटियों की वंदना से, उनकी पूजा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। हमारी ये बेटियां वैष्णवी कक्षा तीसरी में पढ़ती हैं और अनन्या कक्षा पहली में पढ़ती हैं और मानवी कक्षा तीसरी में पढ़ती हैं। इन तीन बेटियों के पैर पखारने से लेकर इनकी पूजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह भारत देश का दृश्य और अनूठा दृश्य, अद्भुत दृश्य, भावपूर्ण दृश्य है। और जिसमें प्रदेश का मुखिया, मैं हमेशा कहती हूँ प्रदेश का मुखिया प्रदेश की बेटियों के चरण पखार रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि इन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और मानो ये बेटियां इन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। आज प्रदेश की 44.5 लाख से अधिक बेटियां लाडली हो गई हैं। इनके पढ़ने और इनके आगे बढ़ने की सारी जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली है। ये वो प्रदेश है जहां बेटी के जन्म पर उत्सव होता है, थालियां बजती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब निवेदन करना चाहेंगे मंच की दाहिनी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कुछ बहने हैं उनके स्वागत के लिए निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं साथ में विशेष अतिथिगणों से कि वे बहनों का स्वागत करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों को पोषण दलिया देकर स्वागत करते हुए। मेरी बहनों, अभी तक मैं बेटियों की पूजा करता था लेकिन बहनों में भी मैं माँ दुर्गा को देखता हूँ, लक्ष्मी को देखता हूँ, सरस्वती को देखता हूँ। और इसलिए अभी तय किया है कि आज मैं बहनों का सम्मान करके, नारी शक्ति की पूजा करके फिर कार्यक्रम प्रारंभ करूंगा। इसलिए अपने बहनों के सम्मान के लिए जा रहा हूं। लाडली बहनों का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, महिलाओं के भरण पोषण को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों का स्वागत करते हुए और उन्हें पोषण दलिया भेंट स्वरूप देते हुए हमारे बीच शर्मिला बहन, फूलवती बहन और क्रांति सूर्यवंशी का स्वागत करते हुए पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच बहनों के सम्मान के साथ लाडली मुख्यमंत्री बहना योजना का शुभारंभ करते हुए और सभी बहनों का स्वागत करते हुए बहन शर्मिला, बहन फूलवती और बहन क्रांति सूर्यवंशी को पोषण डलिया और पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए, पैर पखारते हुए एक अद्भुत दृश्य जहां माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर महिलाओं के जीवन को सरल बनाने के लिए तत्पर हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अनूठी पहल, बहनों का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और पोषण डलियां भेंट करते हुए बहन शर्मिला, बहन फूलवती और बहन कांति सूर्यवंशी को। और निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज कार्यक्रम की शुरुआत करें दीप प्रज्वलन के साथ। मैं निवेदन करना चाहूंगी विशेष अतिथिगणों से भी कि वे सहयोग करें और दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हो। अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुम नीलतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सभी इस अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति को याद करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन के साथ एक अनूठी पहल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ करते हुए हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी साध्वी प्रज्ञा सिंह जी एवं समस्त विशेष अतिथिगण, मंत्रिमंडल हमारे बीच इस अनूठी सौगात के साथ, रीति पाठक जी मीना सिंह जी, एक अद्भुत दृश्य जहां पर शुभारंभ हो रहा है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का। हम सभी बहनें उत्सुकता से इंतजार करते हुए
और वो शुभ घड़ी जहां पर शुभारंभ हो रहा है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी से निवेदन कृपया अपना स्थान ले लें सभी विशेष अतिथिगण। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए कुछ बहनों को। हमारे साथ मंच पर होंगी रेनू, अंजू, ममता, सविता, किरण, सिमी, लक्ष्मी और वीनू जी। ये सब बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगी। और उससे पूर्व मुन्नी बहन को आमंत्रित करेंगे मंच पर, क्योंकि जैसा कि हमें ज्ञात है माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्म दिवस है, तो बहन मुन्नी उपहार स्वरूप भेज करते हुए एक छोटा सा उपहार और तिलक करते हुए हमारे साथ रेणु विश्वकर्मा, अंजू श्रीफल भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, बहन ममता अद्भुत दृश्य जहां मुख्यमंत्री जी का स्वागत करती हुई बहनें शॉल श्रीफल और आरती के साथ अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री जी का। और अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रज्ञा जी से। प्रदेश की लाडली बहनों की तरफ से लाडले भैया शिवराज सिंह चौहान जी, अभिनंदन पत्र का हम वाचन कर रहे हैं। आपका अभिनंदन है, बार बार वंदन है। देश के हृदय मध्य प्रदेश की धरती कर्म भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी है, जिसकी आप बिना रुके बिना थके सेवा कर रहे हैं। लोगों को अविराम सुख देने का काम कर रहे हैं। सही अर्थों में आप कर्मयोगी हैं। जिस प्रकार हारे को हरी होते हैं, वैसे ही अबला कहकर पुरानी पुकारी जाने वाली बहनों के लिए आप सबल बनकर खड़े हैं। आपने लाडली बहना योजना शुरू की है, यह एक ऐतिहासिक और अनुकरणीय पहल है। इसके पहले भी आप अपनी संवेदनशीलता का परिचय लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना में दे चुके हैं। सही ही कहा है कि पिता तो जन्म के साथी होते हैं, लेकिन भाई तो बहन के हर सुख दुख में खड़ा होता है। यह बात आपने सिद्ध भी कर दी है। हम सब बहनें आपके जैसे संवेदनशील और उदार मन पालक को पाकर धन्य और गौरवान्वित महसूस करती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आपके इन प्रयासों को की हम सभी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अनंत अनंत शुभकामनाओं के साथ आपकी सब बहनें भोपाल, रविवार 5 मार्च 2023, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदेश की सभी बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और कार्यक्रम में सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति मंडप संस्थान द्वारा, जिसको संगीत दिया है उमेश तरकसवार ने, नृत्य नाट्य का निर्देशन योगेंद्र सिंह राजपूत, गायन कबीर जी और मानसी प्रधान द्वारा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करें समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। मैं एक आधुनिक युग की स्त्री हूँ, मैं शक्तिहीन नहीं हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं हूँ अंबिका। Thank you.
मानवता की विजय ही मध्य प्रदेश सरकार का एकमात्र लक्ष्य है और इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के माध्यम से राज्य में गरीब लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करने की योजना बनाई है। सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी को 1,000 रुपए मासिक प्रदान करने की घोषणा की है, तो राज्य की महिलाओं को हर साल कुल 12,000 रुपए मिलेंगे। ये योजना निश्चित रूप से लड़कियों और महिलाओं के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना आज यानी 5 मार्च से ही शुरू हो रही है। बहनों की आर्थिक आत्मनिर्भरता, सम्मान बोध और निर्णय क्षमता का आधार बनेगी। मतलब ये केवल 1,000 रुपए महीना नहीं, हमारी बहनों के गौरव का विराट चिन्ह है लाडली बहना योजना। बहनों की जिंदगी सवारने और निखारने का नाम है लाडली बहना योजना। तो समझी ना, हम सब बहनें मजबूत होंगी। मौजूद है हम, मजबूत है हम, मौजूद है हम,
मजबूत है हम, कम मत समझना कि खूब है हम, पर्वत की है के खूब है हम, मौजूद है हम, मजबूत है हम, मौजूद है हम, मजबूत है हम। अद्भुत प्रस्तुति, और इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करते अद्विता, साईशा, समृद्धि, पुपुल, ऐश्वर्या, निगम, ऐश्वर्या, दिव्यांशी, अदिति, ऋषिका, रूपसी, इदिका, इलख्या, प्रेक्षा, रिया, सौंदर्या, दिया, तान्या, तनिमा, किरण, कानव, वैभव और सभी पार्टिसिपेंट्स को ढेरों शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लोगों का विमोचन करें। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लोगों का विमोचन करें। पुनः निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे मुख्यमंत्री लाडली बहना थीम सॉन्ग का भी विमोचन करें और साथ ही में सांस्कृतिक कलाकार हमारे बीच थीम सॉन्ग्स के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना थीम सॉन्ग का विमोचन करें। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भाई के नहीं भाई। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1,000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़े चाला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है, घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है, अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं, धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं, अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ ले खुशी का गहना, बढ़ चल मारी लाडली बहना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश। बहुत ही सुंदर थीम सॉन्ग के साथ मुख्यमंत्री
लाडली बहना योजना सॉन्ग थीम का आगाज। निवेदन पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ब्रोशर्स का भी विमोचन करें, एवं विशेष अतिथिगणों से भी निवेदन कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का विमोचन करें। सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का सशक्त प्रयास हम बहनों को अनूठी सौगात भेंट देकर हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ब्रोशर का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए हम सभी बहनें तालियों के साथ इस अनूठी सौगात के शुभारंभ में शामिल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगण विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ब्रोशर का बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अतिथिगण। और अब मैं पुनः निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर आधारित एक लघु फिल्म को भी लॉन्च करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार दिया जा रहा है। अगर बहनें सशक्त, महिला सशक्त तो समाज सशक्त, समाज सशक्त तो प्रदेश सशक्त, और प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। इसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ सभी महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता उठा सकेंगी, जिनकी उम्र 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है। इसके साथ ही परिवार यानी पति पत्नी और बच्चों की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो, साथ ही परिवार में कोई आयकर दाता ना हो। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क होगी। योजना के फॉर्म विशेष शिविरों, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध होंगे, जो कि प्रशिक्षित प्रभारियों द्वारा पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जाएंगे, जिसके लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के पास आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार की समग्र आईडी, स्वयं की समग्र आईडी तथा आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए महिला को स्वयं उपस्थित होना होगा, जिससे फोटो खींचकर केवाईसी की प्रक्रिया की जा सके। सफलतापूर्वक दर्ज किए गए आवेदन की प्री प्रिंटेड रसीद भी दी जाएगी और इसकी जानकारी हितग्राही को SMS और WhatsApp पर भी मिल पाएगी। इस पूरी आवेदन प्रक्रिया में आवेदक बहनों को प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यकीनन स्नेह के धागों से बंधी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। अब मध्य प्रदेश की महिलाएं न सिर्फ अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सतत सुधार कर सकेंगी, बल्कि हासिल करेंगी आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि खुशियां अब खुद ढूंढेंगी उनका पता। सभी बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सशक्त होगी नारी तो सशक्त होगा हर परिवार, समाज, हमारा प्रदेश और देश। योजना से जुड़ी अधिक जानकारियां हेल्पलाइन नंबर 0755-2700-800 एवं वेबसाइट www.cmlaldibehna.mp.gov पर प्राप्त की जा सकती है। इस लघु फिल्म के माध्यम से हमने देखा कि कितनी सरलता से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म भर सकते हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पहला मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवाएं। और हमारे साथ आवेदिका कविता है, आइए हम सभी बहनें तालियों से स्वागत करें। पहला फॉर्म मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भरवा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही सब तक? जोर से बोल के बताओ, आवाज आ रही है? तो अब ये कोई सभा नहीं है, मैं समझा रहा हूं ताकि प्रदेश भर में बहनों को परेशानी ना हो। ये फॉर्म कैसे भरना है? तो एक बहन है जिसका फॉर्म मैं भरूंगा स्वयं,
और बहन से मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या चीजें भरनी हैं, तो मैं पूछता जाऊंगा, बहन बताती जाएगी और मैं फॉर्म भरता जाऊंगा। सब ध्यान दे रही हैं बहनें? सब ध्यान दे रही हैं? ठीक है बहन, आपका समग्र आईडी नंबर क्या है? 1-7-2 फिर से बताइए। 1-7-2-3-3-4-4-6-5-5 ठीक, 5-5 फिर 5-0-0 अच्छा, आपका आधार नंबर इसको बताना नहीं है मुझे, बताया क्योंकि आधार नंबर गोपनीय रहना चाहिए जी। तो ये मैं अलग से आपका लिख लूंगा। आपका नाम? कविता मस्तेरिया। कविता मस्तेरिया। मस्तेरिया, ये कविता मस्तेरिया हो गया। बहन आपके पति का नाम? श्री राहुल मस्तेरिया। श्री राहुल मस्तेरिया। हाँ। श्री राहुल मस्तेरिया। आपकी जन्म तिथि? 27 अक्टूबर 1990। आपका पता बहन? मकान नंबर 220 रतन कॉलोनी रसुल्ली बेलदार जिला? भोपाल। ये सब ध्यान से सुनना है, मैं इसलिए कर रहा हूं ये ताकि आपको क्या क्या भरना है वो पता रहे। ये भोपाल हो गया। फिर मोबाइल नंबर, पिन कोड? 4-4-6-6-2-2-0-0-3-3-8-8 हाँ। मोबाइल नंबर? 8-8-3-3-0-5-5-8-8-7-7-5-5-6-6-4-4-9-9 अच्छा, आप कौन से वर्ग से हैं? अनुसूचित जाति। तो इसको टिक करना है, ये अजा इसमें कालम बना है, इसको मैंने टिक कर दिया है। अच्छा, विवाहित हैं आप उसमें? तो फिर आपको कुछ घोषणा करनी पड़ेगी जी। आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है? जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं कह दी तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जी हाँ। तो मैं इसको टिक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। एक बार फिर, आपके आप या परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है? जी नहीं। नहीं, ठीक है। आपका परिवार का, परिवार का मतलब समझना, पति पत्नी और बच्चे, यही परिवार है, ठीक है। आपके परिवार का कोई सदस्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित या संविदा कर्मी के रूप में कोई काम तो नहीं कर रहा, नौकरी तो नहीं कर रहा? जी नहीं। नहीं, ठीक है। आपके नाम पे चार पहिया गाड़ी, जीप, कार, वो तो नहीं है? जी नहीं। नहीं। फिर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन तो नहीं है? जी नहीं, नहीं अभी है। तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आपको और कोई भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिमा 1,000 रुपया राशि तो प्राप्त नहीं हो रही? जी नहीं। नहीं हो रही। आपके परिवार में कोई MLA, MP, वार्ड का पार्षद, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ये तो नहीं है? जी नहीं। नहीं है, ठीक है। कोई भूतपूर्व सांसद विधायक तो नहीं है? आप है ना।
अब मैं तो हूँ, देखो ये बात सही है कि मैं विधायक हूँ और आपका भाई हूँ, लेकिन अभी हमने रक्त संबंध वाला परिवार तय किया, मैं तो सगा भैया हूँ, है ना? ठीक है, फिर कोई निगम बोर्ड जो सरकार बनाती है मंडल, उसका कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य तो नहीं है? जी नहीं। नहीं, अब बस इतनी चीजें सबने ध्यान से सुनी, इतनी चीजें बतानी है फार्म भरने में, अगर ध्यान से सुनी हो तो हाथ उठाओ सब। सबने सुनी, बहुत अच्छी बात। बस मेरी बहन आपका यहां हस्ताक्षर होना है, दस्तखत कर दें, ये दस्तखत करवाएंगे, और अगर दस्तखत भी नहीं आते तो चिंता मत करना, अंगूठा भी चलेगा। अब ये ऑनलाइन अब आराम से कर लेंगे, हो गया इसमें। अब देखो मैं अभी बताऊंगा, अभी खड़े होकर बोलूंगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है? जब अपन फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म के दो हिस्सा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो नीचे वाला फाड़ के जब आप आवेदन भरेगी तो आपको दे दिया जाएगा और ऊपर वाला यहां रह जाएगा। ये लीजिए आप, ऑपरेटर बहन हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ ऑपरेटर बहन भी थी जिसने ऑनलाइन एंट्री की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पावती प्रदान की पहली आवेदिका कविता को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बहन भी हमारे बीच है जो अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे, बहन आ जाए, उनको हम आमंत्रित करना चाहेंगे, मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती मनीषा रायकवार को, जो कि एक गृहिणी है और आप अपनी अवधारणा लाडली बहना योजना पर हम सभी से साझा करेंगी। आमंत्रित करते हैं श्रीमती मनीषा को। बड़े भैया शिवराज सिंह जी नमस्ते। बड़े भैया शिवराज सिंह जी नमस्ते। मेरा नाम मनीषा है, मेरे पति का नाम दशरथ है। भैया मेरी दो बेटियां हैं तान्या और श्रेया। भैया मेरी दोनों बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल गया है। मेरी बड़ी बेटी तान्या को जो कक्षा सातवीं में पढ़ती है उसे कक्षा छठवीं की छात्रवृत्ति मिल गई। उस छात्रवृत्ति से कापी किताब और अन्य सामान खरीदा। भैया हमें अपनी बेटियों की पढ़ाई की चिंता अब नहीं है क्योंकि उन्हें आप जैसे मामा जो मिल गए हैं। भैया आप जैसे मामा जो मिल गए हैं इसलिए मुझे बेटियों की चिंता नहीं, आपने मामा होने का हक अदा कर दिया। भैया आपने जो लाडली बहना योजना चलाई है उससे हम बहनों के लिए बड़ा लाभ मिलेगा। हर महीने जो 1,000 रुपए मिलेंगे उनसे हम कोई काम करेंगे जिससे हमारे परिवार को सहारा मिलेगा। भैया हमारा परिवार में मान भी बढ़ेगा और साथ साथ हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। भैया जैसे ही मुझे मालूम चला कि लाडली बहना योजना चलाई जा रही है इसकी हमने तैयारी कर ली। हमारा आधार नंबर समग्र आईडी और बैंक में खाता खुल गया। इसी तरह हमारी बहनों ने भी तैयारी कर ली है। भैया सभी बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन मनीषा। और अब हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन उद्बोधन के लिए, हर महिलाओं के जीवन को जिन्होंने बहुत करीब से जाना, हम बहनों की समस्याओं को जिन्होंने अपना समझा, ऐसे प्रदेश के हमारे लाडले भैया जो आज इतिहास रच रहे हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भेंट स्वरूप हम सभी को देकर, ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। आज पूरा प्रदेश देख रहा है,
इतनी बड़ी संख्या में केवल यहां नहीं, पूरे प्रदेश के गांव गांव में मेरी बहनें और शहर के हर वार्ड में मेरी बहनें इकट्ठी है, जो आज लाडली बहना कार्यक्रम में कैसे लाभ लेंगे वो इस कार्यक्रम को देख रही है। मेरी बहनों, मेरे हर एक शब्द को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस योजना को लागू करने में आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई कठिनाई ना हो। आज का कार्यक्रम इसलिए रखा है मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना क्यों, मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश की धरती पर मां और बहन और बेटी का हमेशा बहुत सम्मान रहा है, बहुत इज्जत रही है। हमारे यहां दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती मानते हैं बेटियों को, बहनों को। और इसलिए पुराने समय में उठा के देख लीजिए, अगर बहन का हमारे जितने देवताएं, हमारे जितने भगवान हैं, उनका नाम अगर लेते थे, तो विष्णु भगवान का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी जी का नाम लेना पड़ता था, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, सीता राम। बताओ पहले राम का नाम आता है कि सीता का? जोर से बताओ वहां तक, राम का नाम कि सीता का? पहले बहन का नाम, पहले नारी का नाम, उसके बाद पुरुष का नाम। लेकिन कालांतर में जब हमारा देश गुलाम हुआ, परिस्थितियां बदल गई। आज मुझे ये कहते हुए दुख और तकलीफ होती है मेरी बहनों, कि हमारी बहनें धीरे धीरे कई बार भेदभाव का शिकार हो गई। मैंने अपने गांव में देखा, अपने घरों में देखा, अपने परिवार में देखा, बेटा अगर जन्म ले तो स्वागत किया जाए, बधाई गाए जाए, गीत गाए जाए, हवाई फायर करो, बेटा आया है, लड्डू बांटो, बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर आ गई तो मां की सूरत भी उतर जाती थी, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जब ये मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी, वेदना होती थी, और मैं कहता था, हे भगवान, यह अन्याय क्यों? एक ही मां के कोख से बेटे ने भी जन्म लिया है, बेटी ने भी जन्म लिया है, लेकिन बेटा शुद्ध दूध पी ले, बेटी पानी डाल के ही काम चल जाएगा। हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? पढ़ेगा कौन? बोले भैया पढ़ेगा। बेटी? बोले उसको तो कंडा थापना गांव में कहते थे, कौन पढ़ाए? मेरी बहनों, ये दृश्य देख के मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी, और मैं एक ही बात कहता था, हे भगवान, इस धरती पर वो दिन कब आएगा जब बेटी को भी बेटे के बराबर माना जाए। मैं कई जगह छोटा था, मेरी आवाज कौन सुनता, लेकिन कई जगह मैं ये बात करता था कि बेटा और बेटी बराबर है, बेटी को आने दो। एक जगह जब मैं भाषण दे रहा था कि बेटी को भी आने दो, तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई और शादी करनी पड़ी, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए बहनों, ये मध्य प्रदेश की धरती है, जहां ने तय किया, उस समय तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, उस समय जब मैं MLA बना तो पहली बार हमने तय किया कि बेटियों की शादी साथियों के सहयोग से करवानी चाहिए, गरीब बेटियों की, ताकि बेटी बोझ ना लगे। वो बेटियों की शादी करवाना शुरू किया, जब मैं विधायक था तब मैं शादी करवाता था, जब मैं सांसद था तब शादी करवाता था, लेकिन कितनी शादी करवाते आखिर, 25, 30, 35। लेकिन आपके आशीर्वाद से मेरी बहनों, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, अगर पहली योजना मैंने कोई बनाई तो वो योजना थी कन्या विवाह योजना, कन्यादान योजना। और ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अब,
ये सरकार गरीब बेटियों की शादी करवाएगी। बोलो कन्या विवाह योजना कैसी है? जरा जोर से बोल के बताओ, बात करें अपन, कैसी है? जोर से बोलो कैसी है कन्या विवाह योजना। ये अलग बात है कि जब कमलनाथ की सरकार आ गई, सवा साल तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री नहीं था, तो कन्या विवाह योजना भी लगभग बंद कर दी और शादी करवा के भी पैसा नहीं दिया। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो वो कन्या विवाह योजना बनी। लेकिन मुझे लगा केवल कन्या विवाह से काम नहीं चलेगा, बेटी को बोझ नहीं वरदान बनाना है। और इसलिए मेरी बहनों ये तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति पैदा होगी, लखपति। अब जब मैंने अफसरों से ये बात कही कि बेटी लखपति होगी, तो अफसरों ने कहा ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मामा मुख्यमंत्री है, भांजी को तो लखपति बनाएगा। और इसलिए अपनी योजना बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और उस योजना में अपन ने तय किया आपकी जानकारी में कि बेटी पैदा होगी तो पैदा होते ही उसके नाम से उसके खाते में सीधे पैसे डालेंगे 30,000 रुपया। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में फिर 6,000 रुपया और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया मिल जाएंगे, बेटी लखपति बन जाएगी। ये अपनी लाडली लक्ष्मी योजना। आज 44,39,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है, तो ये लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। इसके बाद मेरी बहनों हमने तय किया स्कूल जाए और गांव में पढ़ती है तो साइकिल, किताबें, 8वीं तक यूनिफॉर्म, और कई जगह जगह स्कूल खोल दिए। अगर वो 12वीं में 60% नंबर लाए तो गांव की बेटी 5,000 रुपया हर साल और देंगे। ये व्यवस्था हमने बनाने का काम किया। एक नहीं, ऐसी अनेक योजनाएं। और बहनों एक योजना और मैंने गांव में देखा था, अगर गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी मजदूर बहन, तो हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी और हफ्ते भर बाद ही अपने बेटा बेटी को या तो घर पर छोड़ देती थी या खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। बेटा मेड़ पर रखा रहता था और बहन दिन और रात मजदूरी करती थी। तब मैं ये सोचता था कि हे मेरे भगवान, वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद मेरी गरीब बहना भी महीना भर आराम कर ले, घर पे चैन की सांस ले ले, बेटा बेटी को कम से कम चैन से दूध तो पिला दे। और इसलिए बहनों हमने तय किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि अगर बहन, गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी, संबल योजना बना के हमने तय किया, तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद फिर 12,000 रुपया उसके खाते में डाला जाएगा, 16,000 रुपया, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा पाए और वो भी आराम कर सके। एक के बाद एक अनेकों योजनाएं बनती चली गई। कमलनाथ की सरकार ने इन सारी योजनाओं को बंद कर दिया। लगातार हमने अनेकों योजनाएं बनाई। आज उन सब के बारे में मैं विस्तार से नहीं बता रहा। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, प्रसूति सहायता योजना, एक के बाद एक अनेकों योजनाएं, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को पूरी शांति नहीं मिली। गरीब बहन अगर जरूरत पड़ जाए तो 1,000-1,000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। हो जाती कि नहीं बताओ? अरे बोल के बताओ, हो जाती कि नहीं? 1,000-1,000 रुपए के लिए परेशान। कई बार पतिदेव से मांगे कि माए के जा रही हूं, जरा 100 रुपया तो दे दो गुड्डू के पापा, तो वो आंख तरेर के कहे कहां से ले आऊं, नहीं है मेरे पास, चल। तो बहन मन महसूस कर रह जाती थी और मेरी आत्मा कहती थी कि शिवराज वो दिन कब आएगा रे जब इस बहन को जरूरत पड़े तो दोनों हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 1,000 और 500 रुपया तो दे दो, ये दोनों हाथ ना फैलाना पड़े। और इसलिए मैं लगातार सोच रहा था, कई दिनों से सोच रहा था कैसी योजना कैसे बनाऊं कि जिससे बहनों की इस पैसे की जरूरत पूरी हो जाए। एक दिन रात भर जगते जगते सवेरे 4 बजे मैंने अपनी पत्नी को जगाया और मैंने कहा कि सुनो,
एक योजना मेरे दिमाग में आई है। बोले सवेरे 4 बजे से काय की योजना बता रहे हो? मैंने कहा देखो सब बहने मुझे भैया मानती है, मानती हो कि नहीं मानती? अरे सब जोर से बताओ, मानती हो कि नहीं? अच्छा भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? इधर वाली बहने ही बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं। तो देखो भैया कब आता है? सावन के महीने में आता है कि नहीं? सावन के महीने में या तो आता है बहन के घर या बहन को ले जाता है अपने घर और वहां सगा भाई राखी बंधवाता है। बंधवाता है कि नहीं? राखी बंधवाता है और बहन को कोई ना कोई उपहार देता है, पैसा देगा, कपड़े देगा और कोई सामान देगा, राखी बंधवाता है। लेकिन साल में एक बार मेरे दिल ने कहा मेरी बहनों कि तू भी तो सगा भैया है रे, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। तू मन में आया कि कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। फिर लगा के साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलेगा क्या? इधर वाली बहने ही बताए, चलेगा क्या? तो मैंने कहा साल में एक बार नहीं, हर महीना अगर पैसा मिलेगा तो बहनों की समस्या का समाधान होगा और हमारी बहनें इज्जत से जी सकेंगी। सही बात है? बोलो, देखो पीछे तक भैया के साथ बोलो, सब बोलो सही बात है कि नहीं? और इसी विचार में से बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मैंने तय किया बहनों, जो देश की धरती पर कहीं नहीं हुआ वो आपके भाई ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि मेरी बहनों, जितनी मेरी गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्ग की बहनें, जरा ध्यान से सुनना, गांव में बैठी बहनें भी सुनना, बाढ़ में बैठी बहनें भी सुनना, जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपया साल मतलब 20,000 रुपया महीना, तुम में से 20,000 रुपया महीना तो नहीं है कोई की आमदनी? इधर वाली बताओ, तो जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है या जिनके पास जमीन है खेती की परिवार के पास गांव में, तो 5 एकड़ से कम जमीन है तो, और कोई शर्त नहीं है। पूरे प्रदेश में मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, और कोई शर्त नहीं है, 1-2.5 लाख से कम आमदनी और दूसरी 5 एकड़ से कम जमीन, और जीप कार नहीं होना चाहिए पास में। कोई के पास कार तो नहीं है? इधर वाली बहनों के पास भी नहीं है। और घर से कोई इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए? इनकम टैक्स तो नहीं देते कोई? इधर वाले भी बताओ, तो जो इनकम टैक्स नहीं देते उन सब बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना डाला जाएगा, 1,000 रुपया महीना। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दोगे? अगर साल में, अगर हर महीना 1,000 रुपया मिला तो एक साल में कितना मिलेगा? 12,000। और परिवार का मतलब मैंने बताया, पति पत्नी और बच्चे। अगर घर में एक दूसरी दिरानी हुई तो उसको कितना मिलेगा? और उसको भी कितना मिलेगा? तो 12 दुनी कितने हो गए? और घर में अगर बूढ़ी सासू मां रही और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही तो भाभी बढ़ा के हम कर दें 1,000 रुपया, तो सासू मां को कितना मिलेगा? अरे जोर से बताओ कितना मिलेगा? 12,000। तो कितने हो जाएंगे? 36,000। और गांव में अगर किसान हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी वो देते हैं 6,000 और मामा 4,000, तो कुल कितने हो गए? तो कुल कितने हो गए? 44,000। अब बताना मेरी बहनों, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, बताओ अपनी जिंदगी सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बताओ सुधर जाएगी कि नहीं? अब ठाट से बहू घर पे रहेगी तो सास भी सोचेगी, बहू के हर महीना 1,000 रुपया तो आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ दो रे, बहू को भी घी लगी रोटी के।
बोलो होगा कि नहीं। और सास को भी पेंशन मिली तो बहू भी सोचेगी सोने के पहले जरा मां के पांव तो दबा दूं। तो बोलो सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं। देखो घर की हालत बदल जाएगी। और अभी तो मांगती थी, अरे मायके जा रही हूं 500 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे। अब जब वो परेशानी में कभी होंगे और पैसे का इंतजाम नहीं होगा तो मुझे पता है बहनें बचा के भी रखेंगी, और जब पतिदेव को जरूरत पड़ेगी तो कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो जेल जाओ पैसा। बताओ होगा कि नहीं होगा। देखो ये योजना चमत्कार है। बहन स्वाभिमान के साथ जिएंगी, बहन सम्मान के साथ जिएंगी, बहन इज्जत के साथ जिएंगी। और इसलिए ये केवल योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बचाने का बनाने का महाअभियान है, बहनों की इज्जत बनाने का महाअभियान है ये लाडली बहना योजना। बताओ बहना योजना अच्छी है कि नहीं। इधर भी बताओ अच्छी है कि नहीं। अच्छा अच्छी है तो कौन ने बनाई ये योजना? तुम्हारे भैया ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। जब कमलनाथ आए तो उन्होंने एक ऐसी योजना बंद कर दी थी, बेगा भारिया सहरिया बहनों को 1000 रुपया में देता था, वो भी बंद कर दी थी। ये बंद करने वाले ये हिस्सेदारी नहीं है। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, सब ध्यान से सुनना। अभी मैंने टेलीविजन में देखा, न्यूज चैनल में पढ़ा कि बहने भग रही है कि वो बनवा लो आय प्रमाण पत्र, कई भग रही है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा लो। अब मेरी बहना सुनना, योजना तुम्हारे भैया ने बनाई है, आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? पीछे तक जरा ध्यान से सुनना, मत भगो मेरी बहनों यहां वहां, नहीं तो लोक सेवा केंद्र में पैसा खर्चा कर रही। अरे प्रमाण पत्र बनवाना है, अरे तुम्हारा भैया जिंदा काहे का प्रमाण पत्र लिख देना कि 2.5 लाख से कम की आय है, मान ली जाएगी। तो बताओ परेशान तो नहीं होगी कहीं आप? जोर से बताओ, कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अच्छा आवेदन कहां भराएगा ये पता है कि नहीं? जोर से बोलो पता है कि नहीं। तो अब ये भी ध्यान से सुन लो, गांव में बैठी बहनें भी सुन लो, शहर में बैठी बहनें भी सुन लो, तुम्हें कहीं नहीं जाना। मेरी बात समझ में आई? शहर में तुम्हारे वार्ड में शिविर लगेगा, वार्ड अगर बड़ा होगा तो 4-4 शिविर लगवाऊंगा। कहीं नहीं जाना लाइन लगा के, कहीं खड़े नहीं होना। और एक बात में और सावधान रहना, ये कई दलाल आ जाते हैं, दलाल क्या हो तुम्हारा पैसा स्वीकृत करवा दें, इनके चक्कर में मत आ जाना। नहीं तो 100-200 रुपया दे दो, 500 रुपया खा ले कोई। कोई भी दलाली करे तो टेलीफोन नंबर 181 पे फोन कर देना, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा मैं। कोई के चक्कर में मत आना, एक पैसा कहीं नहीं लगेगा, कहीं नहीं जाना है। तुम्हारे गांव में शिविर लगेगा। कहां शिविर लगेगा? अरे जोर से बताओ कहां शिविर लगेगा? और शहर में कहां लगेगा? वार्ड में, अपने वार्ड में सूचना दी जाएगी सबको, सूचना कि इस तारीख को आपके वार्ड में शिविर है। बात समझ में आई? और एक बात और सुन लो, आज का कार्यक्रम समझाने के लिए, समझाने के लिए एक बात और ध्यान से सुन लेना, एक ही दिन में फॉर्म नहीं भराना, नहीं तो लाइन लगी पता चली 1000-2000 आ गई, एक दिन में नहीं भरे जाएंगे। अभी हम अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग देंगे, और एक दिन में गांव में शिविर लगेगा तो केवल 30 आवेदन भरेंगे, और जब तक पूरे आवेदन नहीं भरेंगे तब तक शिविर लगा रहेगा। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन जरूरत पड़ेगी
शिविर लगा रहेगा। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? जोर से बताओ, आई कि नहीं? तो कोई भागा दौड़ी मत करना, आपको सूचना दी जाएगी आपके मोहल्ले में कि आज आपका फार्म भराया जाना है। मेरी बात समझ में आई? और नहीं तो रोज लगी लाइन में, पसीना बहा रहे, परेशान हो रहे। अरे तुम परेशान हो गई तो भैया का मतलब ही क्या रहेगा, बताओ क्या मतलब रहेगा फिर भैया? और इसलिए कोई को परेशान नहीं होने देंगे। 25 मार्च से, अभी रंगपंचमी होली छोड़ के, 25 मार्च से ये आवेदन भराना शुरू होंगे। कौन सी तारीख से जरा सब बताओ? 25 मार्च से आवेदन भराना शुरू होंगे, आपके गांव में खबर की जाएगी और आवेदन भरवाने आपके साथ कर्मचारी रहेंगे। जैसे मैंने एक फॉर्म भरवाया तो मैंने पूछा ना कि नाम क्या है, पति का नाम क्या है, आधार नंबर क्या है, पता क्या है, ये सारी चीजें आपको बैठ के बतानी पड़ेगी, या घर से भी फार्म शांति से भर के ला सकते हैं, घर में भी सहयोग कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता आपको बताएंगे, सहयोग करेंगे और वो आपका आवेदन भरवाएंगे। तो आज मैंने इसलिए भी सबको बुलाया है कि कोई को घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ मचाने की जरूरत नहीं है, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर पे फार्म भरवा के योजना की स्वीकृति दी जाएगी। अच्छा, बैंक खाता तो सबके पास है? जिन जिन के बैंक अकाउंट है हाथ उठाओ। बैंक अकाउंट सबके पास? और कोई रह भी गई हो कोई बहन तो चिंता मत करना, अकाउंट खुलवाने की व्यवस्था भी करेंगे। मेरी कोशिश यह है मेरी बहनों, मेरी कोशिश यह है कि तुम्हारे माथे पे पसीना ना आए योजना में नाम स्वीकृत करवाने के लिए, आराम से तुम्हारा नाम स्वीकृत हो जाए। तो सुनो मेरी बहनों, कोई भागा दौड़ी मत करना, कोई किसी को पैसे मत दे देना, कोई जल्दीबाजी मत करना, बड़े आराम से तसल्ली से 25 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक, मतलब 35 दिन तक आवेदन भराए जाएंगे। कितने दिन तक? और जरूरत पड़ी तो और बढ़ा दूंगा, घर की तो सरकार है अपनी, कोई नहीं शेष रहेगी। जो पात्र बहने हैं सबका आवेदन भराएगा, 23 से लेकर 60 साल तक की जिनकी आयु है उन सब बहनों का। और इसलिए आज मैंने इसलिए बुलाया है कि भगना मत, परेशान मत होना, पैसा मत देना, कोई प्रमाण पत्र मत बनवाना, सब चीजें सरकार करवा के देगी, भाजपा की सरकार करवाएगी, तुम्हारा भैया करवाएगा। बोलो तुम सबको मुझ पर विश्वास है? सब बताओ विश्वास है? तो अब परेशान तो नहीं होगी, और इसलिए बड़े आराम से तसल्ली से इस योजना का आपको लाभ देंगे। और अभी तय किया है 10 जून से मार्च अप्रैल में फार्म भरवाएंगे, मई में जांच करेंगे, पूरी सूची बन जाएगी और 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। बताओ मेरी बात सबके समझ में आई? उधर वाले भी बताओ सबके समझ में आई? अब कोई परेशान तो नहीं होंगे? तो मेरी बहनों, तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब खुश हो कि नहीं बताओ? अरे जोर तक बात बताओ, सब खुश हो कि नहीं? और एक बात और सुनना, कई काम और किए, जैसे दारू के दुकान के संग आहाते थे, सारे आहाते बंद, अब कोई दारू का आहाता नहीं रहेगा। बहनों को परेशान करने वाला कोई काम नहीं करने दूंगा। माँ बहन बेटी के साथ अगर कोई ने दुराचार किया तो सीधा फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। बताओ तुम्हारा भैया अच्छा है कि नहीं? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है कि नहीं? तो आज मुझे बताओ, सब हमारे साथ रहोगी? सब मिलकर साथ काम करेंगे?
भैया का भी साथ दोगी। तो आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होके हम सब भी संकल्प करें कि सच्ची योजना का हम सब लाभ उठाएंगे, सरकार की योजनाओं का हम लाभ उठाएंगे और भैया के साथ जाएंगे, चलेंगे, मिलके सब काम करेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। बोलिए सब तैयार हो? तो पीछे तक जा तक मेरी बहनें खड़ी है, मेरे साथ जाने के पहले संकल्प लेगी कि भैया तुमने जिंदगी बदलने का अभियान शुरू किया है, हम भी तुम्हारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे ताकि ये सरकार बनी रहे और बहनों के काम करती रहे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाती रहे। बोलो सब तैयार हो? पीछे तक बहनें तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की और भैया की भांजियों की और मेरी भांजियों। बारहवीं में अपने अपने स्कूल में जो भांजी फर्स्ट आएगी मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी वो गांव में शहर में स्कूटी पर बैठ के जाएगी। मेरी बहनों मेरी जिंदगी सफल हो गई तुम्हारी सेवा करके, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, मेरा मानव जीवन सार्थक हो गया। मेरी ये बहनें इज्जत से जिए, मान सम्मान से जिए और खूब आगे बढ़े। तुम्हारी जितनी तकलीफें हैं भगवान मुझे दे दे, लेकिन तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए बहनों, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। इसी अपील के साथ मैं दोनों हाथ जोड़ के अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि बहनें मेरे लिए दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। सब बहनों को प्रणाम, सबको नमस्कार और सबको साथ निभाने का वचन देते हुए भैया आज आपको फिर यह कहता है कि किसी को एक पैसा मत देना, कोई भी गड़बड़ हो मुझे बता देना। एक लाडली बहना सेना भी बनाएंगे, गड़बड़ करने वालों को ठीक कर देंगे, चिंता मत करना। एक बार मेरे साथ फिर बोलो भारत माता की, लाडली बहनों की, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, लाडली बहनों के भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश के मानचित्र में मध्य प्रदेश का नाम चमकाने वाले, मध्य प्रदेश विजय के जननायक, परिवर्तन के जननायक, प्रदेश के हित के लिए सदैव तत्पर और एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले मध्य प्रदेश के माननीय। इस योजना में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को भी, आशा कार्यकर्ताओं को भी, सबको लाभ मिलेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब आराम से जाना सब, अब जब फॉर्म भरे जाएंगे तब मिलेंगे। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश को, प्रदेश की बहनों को उन्होंने जो सौगात दी है लाडली बहना योजना के नाम से, निश्चित रूप से यह क्षण अविस्मरणीय और ऐतिहासिक है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मंचासी इन सभी माननीय अतिथियों का, श्री बीडी शर्मा साहब का, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी का, सुश्री मीना सिंह जी का, सुश्री उषा ठाकुर जी का, श्रीमती रीति पाठक जी का, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का, विजय शाह साहब का, जगदीश देवड़ा जी का, भूपेन्द्र सिंह साहब का, विश्वास सारंग जी का, प्रभुराम चौधरी माननीय मंत्री जी का, ओम प्रकाश सकलेचा माननीय मंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव माननीय मंत्री जी का, श्री हरदीप सिंह डंग माननीय मंत्री, श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव माननीय मंत्री, श्री राम खिलावन पटेल माननीय राज्य मंत्री, श्री राम किशोर कांबरे माननीय राज्य मंत्री, श्री सुरेश धाकड़ माननीय राज्य मंत्री, श्री ओपीएस भदौरिया माननीय राज्य मंत्री, श्रीमती संध्या राय माननीय सांसद, आप सभी का और मंचासीन सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में पधारे माननीय मंत्रीगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, माननीय सांसद गणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, माननीय विधायक गणों का हम
तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। माननीय महापौर गणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और महिला बाल विकास विभाग की तरफ से माननीय अध्यक्ष निगम मंडल आप सबका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय जिला पंचायत अध्यक्षों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इसके साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन का जो सहयोग मिला है, पुलिस प्रशासन का जो सहयोग मिला है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और महिला बाल विकास के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों का जो सहयोग मिला है, उन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में आई मध्य प्रदेश की हमारी लाडली बहन आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही जिन विभागों का अमूल्य सहयोग रहा है उन्हें हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप चिंता मुक्त होकर जाएं, प्रदेश सरकार आपके साथ है। सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश और फिर सशक्त देश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।